आलिया भट्ट, यू आर वॉचिंग एक्सपोज इंडिया, कीप वॉचिंग। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में संदिग्ध आतंकवादियों ने रविवार रात मंत्री फारूक अंद्राबी के घर पर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने अनंतनाग जिले के दूर स्थित हज और वक्फ राज मंत्री अंद्राबी के आवास पर हमला किया और एक पुलिसकर्मी को घायल कर दिया। उन्होंने बताया कि घायल पुलिसकर्मी को यहाँ स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में पुलिस अधीक्षक स्तर के 3 अधिकारियों सहित पुलिस दल पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश कर रहे हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। मारे गए एक आतंकवादी की पहचान शाहबाज सफी वानी और रईस काचरू के रूप में की गई है, जो जून 2016 से सक्रिय था। अधिकारियों ने बताया कि वानी पुलवामा जिले के एक सुरक्षा चौकी पर हमले के अलावा मैगजीन के साथ 2 भरी हुई राइफलें छीनने में शामिल था। एक अन्य आतंकवादी की पहचान शोपियां निवासी फारूक अहमद हुर्रा के रूप में की गई है, जिसने 2010 में आत्मसमर्पण कर दिया था और वो पेरोल पर रिहा चल रहा था। पुलिस उप महानिरीक्षक दक्षिण कश्मीर एस पानी ने कहा कि पुलिस ने 2 हथियार जब्त किए हैं, जिनमें एक लूटा गया SLR भी शामिल है। मतलब यहाँ ही थे अंदर अपने इसमें, तो उधर गारत है, तो उन्हीं पे मतलब उन्होंने वो किया हमला, तो उनसे मतलब जो हथियार वगैरह क्या था क्या नहीं था तो उन्होंने वो ले लिया। घर में नहीं आए, हमारे साथ कुछ नहीं किया, बस ये सही है। तो आप उस टाइम डर गए होंगे? और क्या, ये कुदरती बात है, जहाँ फायर होता है तो वहाँ कौन रहता है डरने के बगैर। मैंने किसी को कुछ नहीं हुआ, बस सिर्फ पुलिस वाले 2 जख्मी हो गए। तो हाय, दिस इज सना खान एंड यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया।